हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू eMasterji। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो कह रहा है ये जो आपको दे रखा है इसमें से ये आपको वर्ड में दिया हुआ है, इसका इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके एमोनिया फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में होता है, एमोनिया N2 फॉर्म में होता है, सॉरी नाइट्रोजन हमारा N2 फॉर्म में होता है और एमोनिया हमारा NH3 फॉर्म। तो इसको कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। इसको आप बैलेंस करना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी हो तो आई बटन में मैं आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग सीख, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एकदम अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से आप उसको बैलेंस करोगे, जिससे आप कैसे भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर, आई बटन में जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस समझ में आ गया, नाइट्रोजन को कैसे कंबाइन करके ये एमोनिया बनाएगा, इसको बैलेंस करना सभी लोगों को आता है अच्छे। सेकेंड कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो H2S होता है, बर्न इन एयर। एयर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, एयर मतलब ऑक्सीजन ही होता है। तो O2 H2S प्लस O2 विल गिव क्या देगा, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर मतलब H2O और सल्फर मतलब SO2, और उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लोगे, ठीक है। बैलेंसिंग मैं आप सिखा चुका हूँ, आई बटन में जाके वीडियो देखिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का होल 3, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस में प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये एक तरीके से कौन सा रिएक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो बेरियम के जगह पे आ गया और बेरियम एल्यूमिनियम की जगह चला, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको साथ में और क्या कहा जाता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, ठीक है। तो ये आप लोग खुद भी बना के देख सकते हैं, इसको बैलेंसिंग करना सभी लोगों को जरूर आना चाहिए। अच्छा, एक बच्चे का ये सवाल था कि सर ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, या फिर ये एल्यूमिनियम सल्फेट मैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को बना सकता हूँ। तो इसके लिए आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा, और 9th क्लास में आपको याद करनी पड़ेगी अपनी पुरानी शक्तियों को जो हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था। चैप्टर नंबर 3 जो मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमने फॉर्मूले बनाने सीखे, उन फॉर्मूलोज को बनाने में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले बना के सीखे, ठीक है। तो इसीलिए वो आपको जरूर यहाँ पे समझ लेना चाहिए अगर आप किसी भी तरीके का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो 9th क्लास का वो 3rd चैप्टर का वो टेबल है, वो टेबल आप लोगों को जरूर याद कर लेना चाहिए, जिससे आप कैसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हेजिटेट मत करो, जाओ घर पे जाना, 9th क्लास की चीजें और वो चैप्टर उठाना और उसको एक बार जरूर देख लेना। तो सिर्फ उस टेबल को लर्न करना है, उसमें वैलेंसीज और किस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाने होते हैं उसके बारे में सीख लो, और आराम से आप कैसा भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम होता है के, तो के रिएक्ट विद वाटर, वाटर मतलब H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे, आप लोग समझ सकते हो इसको कि किस तरीके से बैलेंस कर। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।